जो यहाँ पर आपको 204 दिया हुआ है वो है 5i cap plus 3j cap minus 7k cap, और दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर भी 2i cap plus 2j cap plus k cap, तो ये है आपके पास 2i cap plus 2j cap plus k cap को आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5i cap plus 3j cap minus 7k cap से। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऐसे सबसे पहले ऊपर i j k आप लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लिखेंगे किसका किसके साथ करना है। सबसे पहले हमको इसका इसके साथ करना है, तो 2 इसमें i cap में, दूसरे में i cap में आपका 5 है, यहाँ पर आपका 2 है, j cap में दूसरे में इसका 3 है, और यहाँ पर आपका k cap में क्या है 1 है, और यहाँ पर आपका माइनस 7 है। तो अब आप यहाँ से करेंगे i j और k आपने लिख लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं i cap का लिखेंगे, तो i cap का कॉलम आप पूरे छुपा लेंगे, 2 × −7 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो i को मैंने छुपा लिया, 2 × −7 किया तो −14 आया, माइनस यहाँ से यहाँ किया तो 3 आया। इसके बाद i − j आप करेंगे, i − j, j में भी वैसे ही करेंगे, j को आप ऐसे रख लेंगे और j को आप छुपा लेंगे और 2 × −7 करेंगे, 2 × −7 करेंगे, माइनस 5 × 1 करेंगे, ये −5 × 1 आप करेंगे। वैसे ही आप k के साथ करने वाले हैं i − j + k, और k में क्या करेंगे, k को छुपा लेंगे, 2 × 3 करेंगे, −5 × 2 करेंगे, तो 2 × 3 − 5 × 2। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ये आ गया है, तो −14 − 3, तो ये −17 हो जाएगा, तो −17 i cap हो जाएगा, और यहाँ पर ये −14 − 5 − 19 j cap आपका आंसर, ये −19 है और ये भी आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, +6 − 10, तो ये −4 आपका k cap हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके जी में आएंगे, तो ऐसे भी आपसे बनने चाहिए। और अगर आपको एक और क्वेश्चन करना है तो वो आप कीजिएगा, कि अगर मेरे को इस टॉर्क में दिया हुआ है कि जो अल्फा है वो दोस्तों आपको दिया हुआ है 5 rads/sec² है, तब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्सी निकालना है, ये आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।